इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहे भाई? जी डॉक्टर एक बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, बताओ। भाई साहब नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अरे सही, क्या बात है? हाँ जी, मैं कह रहा था अभी कितने टाइम की पढ़ाई बाकी है आपकी? अभी तो टाइम लगेगा, अभी 1 साल लग जाएगा। सही अभी लग रहा है है। ना? हाँ हाँ, पूरे डॉक्टर बन जाएंगे तो शादी का भी प्लान होगा आपका? हाँ यार, शादी का तो है, लेकिन कौन हो, क्या चाहते हो भाई, क्या मैं कह है? रहा था डॉक्टर की शादी कैसे होनी चाहिए, किसी ने मुझसे कहा था, मैंने सोचा मैं आपको बता अरे दूं। तो भाई मुझसे क्या चाहता है, एक वो तो वही बता रहा बता। हूँ, आप शादी कैसे करेंगे उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। डॉक्टर है ना, थोड़ी यादगार होनी चाहिए ना शादी। अरे अभी अभी शादी आदि का इतना जल्दी कुछ है नहीं यार सुन ऐसा। तो अभी लो, अगर जब भी करोगे यादगार होनी चाहिए कि नहीं, हाँ यार बता। तो आप बारात एम्बुलेंस में ले जाना, शादी हॉस्पिटल में करवाना। हॉस्पिटल में हाँ, और आप लोग कुर्सी पे नहीं, स्ट्रेचर पे बैठेंगे, ठीक है? दोनों फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, क्या करना, फोटो का? अच्छा फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, ठीक है? एक्सरे कराना होता भाई, मेहमान को कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या देंगे? ग्लूकोज की बोतल दे ग्लूकोज की बोतल। दे। मेहमानों को सुनो, या ओआरएस भी दे सकते हैं, ओआरएस का घोल। अच्छा ठीक है, खाने में विटामिन सी की गोली, विटामिन सी की गोली खाने में। हाँ, खाने भोजन में। और सारी रंग बिरंगी आप बुफेट लगा सकते हैं, बुफेट होता है ना? बुफेट नहीं होता साले, जाबड़ मारूंगा, बुफे होता है वो। सॉरी। और मीठे में जो साबूदाने की खीर होती है ना, हाँ उसकी जगह होम्योपैथी की गोलियों की खीर बनवाना, सेम टू सेम अच्छा, लगेगा। चल ठीक आप है, लोग वर्णमाला की जगह स्टेथोस्कोप पहनाइएगा। और ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी? उसके अलावा एक क्वेरी है, रिटर्न गिफ्ट तो बता दे मेरे भाई। इंजेक्शन दे सकते हैं आप रिटर्न गिफ्ट में? दो इंजेक्शन ना गल तेरे डाल दूंगा। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बता। शादी के बाद जो अपनी मिसेज को ना, सिस्टर मत बुलाइएगा, सिस्टर इधर आओ, ऐसे मत अरे बोलिए। तोड़ दूंगा साले तेरी, तो फोन रख, चल डॉक्टर गलत बोल गए रहे हैं आप। दिमाग चल, खराब कर रहा है। 93.5 FM बजाते रहो। बहुआ बोल रहा हूँ, गिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल, नहीं बोल रहा भाई, मैं अच्छा कौन सॉरी, बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहे थे। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना, जी, उसका वहीं रहता, हाँ, वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल अच्छा, आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? पणजी 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। गए थे सत्संग के लिए, अजय हाँ देवगन। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ। फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे, उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यह सारा नहीं, चीज़ तूने बोला ना यार? 2 अक्टूबर को सत्संग था, अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक का। जोक मारेगा उस दिन, है? उस दिन जोक मारेगा, 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी जोक मर्जी, मारूं तो या मैं आगे तो मेरी मर्जी, जो सुन मर्जी ना। मारूं, 8 तारीख को गायतोंडे वहां डंडा लेके पहुंचा, है तेरी ना? दे दी डंडा, फोन गलत बोल रहे आप। काट। अरे एक अबे क्यों दिमाग कर रही है यार, तू हो गया भाई। गलत, हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, हेलो, जी कौन? मैं की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या जी बोल रहा हूँ, बोल मैं कौन? आपसे शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश, फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। हाँ तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। ये तो लॉन्ग वीकेंड, मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए अरे तो शायद। मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी, मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं फिर नहीं, क्या था, दो? बात अरे कर आप रहे, काम करो, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा, खत्म करो नहीं, आज दो इसको। को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको अरे बता रही नहीं थी हूँ। तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना अरे क्या उस था फिर। सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी अबे लेकर।
मैं वही चार तारीख को गाय तुंडे आया डंडा लेके उसके घर पे, तुंडे ने वो डंडा तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ कौन? बहुआ बोल रहे हो भाई साहब? नमस्ते। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, एक मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। विग ले ले। हैं? विग ले ले विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतने इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 रेडियम बजाते रहो, पर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैं बहुआ अंकिल। कौन बहुआ भाई? मैं। मेरे से क्या चाहिए? आपसे दो मिनट चाहिए। अक्सर लोग चीजों को गलत तरीके से समझते हैं, वही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज। मुझे नहीं समझना भाई, भाई से एक मिनट लगेगा भाई से, ज्यादा समय नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कहते ना, ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से। कितने पत्थर से? एक पत्थर से। एक पत्थर से? हाँ। यही गलती हो जाती, कम से कम आपको ईंट का जवाब तीन पत्थर से देना चाहिए। कैसे भाई तू मेरा याद कर रहा, सुबह सुबह का टाइम है। एक मिनट लेता हूँ मैं आपसे, बस एक मिनट। ईंट का जवाब तीन पत्थर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ईंट मार दी। अच्छा ठीक है, अब आपको जवाब देने के लिए पत्थर चाहिए लेकिन वहाँ पत्थर है नहीं है। अच्छा, आपके अगल बगल में पत्थर है नहीं, क्यों होंगे? आप कश्मीर के पत्थर बात छोड़ी हो कि आपके अगल बगल पत्थर ही रहे? सॉरी, तो फिर आप पत्थर लेने के लिए कहीं जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, है कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपकी आवाज है आपको ई रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है। तेरे बाप को पढ़ते हुए ना ई रिक्शा वाले। सॉरी गलत बोल रहे, आप सुन लीजिए, हम सब एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपने ई रिक्शा ढूंढा, ई रिक्शा वाला मिल गया, आपने ई रिक्शा पकड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहाँ पे आपने तीन पत्थर उठा लिए। अब पूछे तीन क्यों? तीन क्यों? क्योंकि वापस आपको जाना है ना जिसने ईंट फेंकी थी, आपको जवाब देना है। तो ई रिक्शा वाले से आप बोलोगे चल भाई वापस भी छोड़ दे, तो ई रिक्शा वाला बोलेगा दो गुना किराया लूंगा क्योंकि वापसी की सवारी कोई है नहीं ऐसे। तब आप बोलोगे ओए ये पत्थर फेंक के आपने ई रिक्शा वाले को। अच्छा। आपने ई रिक्शा वाले को धमकाया, पत्थर फेंका, ई रिक्शा वाले ने आपको छोड़ा, फिर आपने उसको वो पत्थर जिसने ईंट का जवाब दिया था ये दे के फेंक के जवाब दे दिया पत्थर से। तीसरे का क्या हुआ? क्या तीसरे का? तीसरे पत्थर? हाँ, तीसरे पत्थर का क्या हुआ? तो आपने जब उसको पहले वाली ईंट का जवाब दिया, हो सकता है जैसे आपने जवाब दिया वो आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा, उसके पास एक ईंट रखी हुई है उसको फेंका, फिर उसका जवाब देने के लिए कि आप फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे, उस पत्थर को उठाओ और फेंको उस पे जो है तीसरा पत्थर आपके हाथ में। भाई साहब गलत मत बोलिए, तो एक इसका एक और सोल्यूशन मैं बता दूं, अगर ईंट का जवाब देना है किसी को तो जो ईंट फेंक के मारी वही उठा के फेंक दो, कहां पत्थर ढूंढने जाओगे भाई? गलत बोल रहे आप, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ।
गाते हैं, चांद की सड़ू भागे तेरे नाम गिरा दे भैया कड़ी कड़ी के बेसन, जुत्ता 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 वाव ये कुत्ता जुत्ता दिल ची चले इधर, ओ मेरे अंकिल बोलो आई लाइक टू बी देयर। सॉरी कौन है भाई? हेलो हेलो। हाँ बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अब मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू तेरी आवाज देखी तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी सॉरी मैं कह रहा था। हेलो हाँ बोल बोल भाई आगे भी बोल ले। अपने आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप समाज चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर अगर रुका और हारा तो लोग तुझे क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी मैं कह रहा था। हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो और क्या, मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे? हैं क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं अपने मन की बात। तुझे रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत, अग्निपथ अग्निपथ। ओहो ओहो शांति से बैठ जा, कोई नहीं है। सॉरी आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना मैं जब शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों भाई? अजीब बीमारी है बता दे। क्यों? बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमें ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा आप भी आपके मन में जो आ रहे खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं 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 बोल तो तेरे को ही ना हूँ लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी गलत हो गई, ये तय थोड़ी हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरा भाई साहब एक सेकंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तेरे को अरे तेरे जूते फेंक ले देर, तू मेरा बेदर। दिमाग खराब कर दे जंगल वाली कदर, छोड़ के सिर भू भागे। फोन काट दे। गलत बोल रहे अंकिल, नमस्ते मैं बहुआ बोल रहा हूँ 93.5 एफएम बजाते रहो के भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या बेटे? बोल रहे हो साले झापड़ मार तो अंकल बोल रहा है। सॉरी चुनाव हो गया। अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या? क्या दिक्कत है मुझे? दिक्कत दिक्कत साले दिक्कत, दिक्कत। कैसे वापस बोले 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती दिक्कत नहीं होती। सॉरी क्या फंस रहा नुकता, वो जो फंस रहा है वो नुकता है। हाँ, बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग तो स्याही लगती है। स्याही लगती है कहाँ? लगती है इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? गलत जगह लगती है भाई साहब। क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें? लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया। बोले हाँ दिया है, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? पीठ पे लगा दे भाई साहब। पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? तो पेट पे लगा दे भाई साहब। पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है ठीक है? मुंह पे लगा दे भाई साहब। फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा? एक जगह ऐसा मत बोलिए। नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है।
अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा, दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। साले कहीं लगने देगा तू? होंठ पे भी नहीं लगाना चाहिए, क्यों? सिगरेट पी पी के वैसे ही लोगों ने काले कटे रखे हैं। अबे तू है क्या? मैं बहुआ, बहुआ तो कहीं लगने देगा। गलत क्या बोल रहे भाई साहब? अबे एक चीज बच गई। ठीक चीची मत बोल, कौन सी चीज बची है? अबे वही। ओ गलत नहीं भाई साहब, प्लीज मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, प्लीज साले सुन तो ले। नहीं बोलने दूंगा गंडा। अबे सुन तो ले। हाँ कहाँ पे? सही मन में, मन में। ओ मन पे इंक लगाओ, वोट दो और मन पे इंक। भाई भाई साहब मेरे को तो लगा आप, तुझे क्या लगा मैं बोल रहा हूँ? जी गलत आदमी, मन पे भी नहीं लग सकती सही, क्योंकि मन भी लोगों का काला है। तो साले वाले अपने गलत बोल रहे हैं। जी गलत आदमी, आके वही आके बैठ फोन रहे। जी जी बोल रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, वोट देना जरूरी है, सही चाहे जहाँ भी लगे, है ना भाई साहब? इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी, आप अगर एक मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बता। मैं कह रहा था आपने गैलीलियो कलासनिको की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलासनिको? नहीं भाई हमने नहीं पढ़ी। पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। पागल। आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? बारबाडोस पठान मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी, तो बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं नहीं, इनने लिखी है, इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, फोन नहीं उठा रहा। एक सेकंड, आपने अल्फर्ड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फर्ड सत्तू? अब तो बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तो बोल रहे। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं नहीं नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे एक भाई साहब सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? एलेक्स निरंजन और तू, मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी, एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या, फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाबरे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ बता। एलेक्स निरंजन और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। Oh my God, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, मैं कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं कौन।
अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं, है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना, कौन बोल रहे हो पहले से? एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहा है, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड, नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट होगे, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी, ठीक है। और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं? साले तेरी जान के वहीं ऐसी तोड़ूंगा ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे भी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोल रहे अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं? मार रहे ना, पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाएं। हेलो अंकिल नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल, कौन रहे यार, कौन रो रहे, कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहे। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ, जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा, सुंदर लाल चड्ढा, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए, हेलो जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया, और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ, सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट दूँगा। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है, मैं बिना रोए बताया। हाँ। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी। हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अब क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए। एक सेकंड, मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इतने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा घूम घूम के कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो? तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना, इसका मतलब क्या है? बहु हाँ, मत दो, बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बनी। चल गंदा बोला, चल नहीं मारू फोन में घुसती, चल फोन हफ्ते मार, क्यों मार? इसके वजह से मेरा घर का मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहू मत दो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे, बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार, अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया। अच्छा, लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या? क्या दिक्कत है मुझे? दिक्कत दिक्कत साले दिक्कत, दिक्कत। कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा है? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ, तो स्याही लगती है। हाँ स्याही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? गलत जगह लगती है भाई साहब। क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या?
फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी, फेफड़े पे, फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोले हाँ दिया है देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए तो कहाँ लगे, पीठ पे लगा दे भाई साहब, पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे, तो पेट पे लगा दे भाई साहब, पेट भरना होता है, काला नहीं कटना होता है, ठीक है, मुंह पे लगा दे भाई साहब, फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू, एक जगह ऐसा मत बोलिए, नाक पे लगा दे, वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे, दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू।